झांसी में कुल्हाड़ी मारकर वृद्ध की हत्या। पूरा मामला झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम रोरा का है, जहां सुबह करीब 6 बजे खेत पर जा रहे वृद्ध को आरोपी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का आरोपी से पूर्व में मामूली विवाद था। इसी को लेकर आरोपी मृतक के रंजिश मानता था और आज सुबह वृद्ध अपने खेत पर रखवाली के लिए जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपी ने मृतक पर कुल्हाड़ी से कई बार वार कर दिए और भाग गया। वहीं गांव के लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परसों जो खत्म हुए कौन थे आपके भाई? भाई, भाई थे। हाँ। क्या वजह थी ऐसी कि उनके इस तरह घटना हुई यहाँ पर? हमारे साथ कोई पता नहीं है हमें जी। कोई पता नहीं है जी। तो कैसे हुई, कब हुई? और अभी भाई जा कितने बजे लगभग? अभी एक घंटा एक घंटा पहले हुए। घर से कब निकले थे ये? हंसरे ही सवेरे ही निकले के निकले थे। हाँ, दुकान खिलाने दुकान से आए हो बस। किस बात से इनके ऊपर हमला हुआ, किस चीज़ से हमला हुआ? कोई समस्या ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें। किस चीज़ से किया गया इनके ऊपर? बता ही नहीं सकता। कुलाई कुलाई से मारो, कुलाई से। हाँ, कुलाई से। जानकारी लगी है कितने लोग थे वो लोग? ये एक आदमी था, बता रहे कि एक आदमी है, तो उसने बताया है कि एक आदमी है। तो अच्छा, कौन था आपको पता चला? वो एक वो नहीं है, वो मुसलमान को लाएगा, उसने बताया हमें। क्या बताया आपको? ये कौन? हमको ये बताओ कि एक आदमी ने लड़का ठाणू तो उन्हें हमने देखा है कुलाई मारी और गिरो और उगत बात देखे ना भग गो। किसने मारा आपको कोई पता चला? देवेंद का जो पता नहीं है। देवेंद खत्म हुई है क्या? अच्छा, कैसे घटना हुई इनके साथ में? इनके साथ हम बता नहीं सकते कितने ये नाथ आए उन्हें कुलाई मारी उन्हें जी। उन लोगों ने मार दी कुलाई? बताया कि टिंकू हसे जी। कोई था उनके साथ? उनके साथ कोई, हमें पता ही है कोई हद नहीं। किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये कपड़ा पानी हती क्या हती कि इनके नमाओ पानी सूर्य में नमाओ। अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी हाउ वही पकड़ा है। आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह। ये आप गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं, गांव के हैं। ये जो घटना हुई है आपके गांव में, क्या घटना हुई यहाँ पर? अरे घटना क्या है, आतंकवादी पहले से इन लोगों ने एक बार और घटना कही थी अपने भाइयों के साथ, उसमें अंदर 10 साल सजा है इनकी। इसके बाद एक पंडित के लड़के को मारा था, तो उसमें कार्रवाई थी, लेकिन पुलिस ने एक सिंह का बंद किया था और छोड़ दिया था। ये तीसरी घटना है उनकी। कितने पहले घटना हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुई थी? लड़ाई एक 1.5 साल हो गए करीब। हाँ, किस बात पे लड़ाई झगड़ा? अब क्या आपसी विवाद का विवाद तो कोई खास है नहीं है, लेकिन जहाँ का आतंकवादी तो है ही है। हाँ, हाँ, जमीनी विवाद था क्या? कोई जमीन नहीं, ये चमार है, ये ठाकुर है, जमीन का विवाद। जो खत्म हुए कौन थे? ये अहरवार है। हाँ, कितने लोगों ने मारपीट की इनके साथ? अब पूरे परिवार की सलाह हटी हुआ था उनकी, उन लोगों की। कौन लोग हैं वो लोग जिन लोगों ने? ठाकुर कौन लोग हैं वो, नाम बताए क्या जी? हाँ, उसमें अशोक सिंह है, आनंद सिंह है और बल्लू का नाम कुछ ना हो तो है, राजकुमार है, सब लोग वही के हैं आने वाले। हाँ, मामला है आखिर हत्या क्यों हुई, क्या वजह सामने आई प्रथम दृष्टया? लचुरा थाना क्षेत्र के रोरा गांव में ब्रजलाल अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, इनकी हत्या आरोपी राजेश, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, इन्होंने कुल्हाड़ी से कर दी है और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जो पक्ष हैं उनके तरफ से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत कर आरोपी को शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। क्या वजह निकल के जो प्रथम दृष्टया जो कारण जो मर्डर हत्या का कारण निकल के आ रहा है कि जो मृतक है इन्होंने कुछ 2022 में इनकी शिकायत की थी कि इनका किसी लड़की से अफेयर है। इसी शिकायत के कारण आरोपी पकड़ा गया था और इसी वजह से 2022 से इन लोगों के बीच में दुश्मनी चली आ रही थी। बीच बीच में एक बार इन लोगों के बीच में मारपीट भी हुई थी और आरोपी को ये लग रहा था कि ये हमारी हत्या करा देगा। इसी शक बस उसने कि ये मृतक हमारी हत्या न करा दे, इसकी शक में आकर के इसने स्वयं ही उसकी हत्या कर दी। तो सर, जानकारी अभी मिल रही है कि जो जिसने हत्या की है वो खुद कुल्हाड़ी लेके पुलिस थाने पेश हो गया था? हाँ, ये संख्या ये खुद ही सूचना दिया था कि हमने
हत्या कर दी थी। इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इसको कुल्हाड़ी के साथ ही पकड़ लिया गया है। तो क्या सर ये दीवान में रखी थी बात कि इसने हमारी प्रेमिका इसे मिलने के लिए रोक देखा होगा, शिकायत करके पकड़े गए, तो क्या ये इसने कोई अपमान महसूस किया या क्या महसूस किया तुमने? ये 2022 से इनका जो आरोपी है इसका कहना कि जब इसने शिकायत की थी तो मैं पकड़ा गया था और इसके वजह से दिक्कत हुई थी और तभी से इन लोगों के बीच में दुश्मनी थी।